भारत में बहुत से प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें से एक है केदारनाथ धाम। राधे राधे दोस्तों, मैं एस आर साहू आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे ब्लॉग में। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो भगवान ऋषभनाथ को यानी शिव को समर्पित है, जो पंच केदार में से एक है और साथ ही चार धाम में सम्मिलित होने के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पत्थरों के कत्यूरी श्रेणी से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र ने करवाया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग बहुत ही प्राचीन माना जाता है, जिसका जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने किया। इस मंदिर की हम इतिहास की बात करें तो इस मंदिर की आयु कितनी है उसका अभी तक कोई पता नहीं लग सका है, पर केदारनाथ हजारों वर्षों से महत्वपूर्ण तीर्थ रहा है। अब जानते हैं मंदिर के वास्तुशिल्प के बारे में। यह मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पे बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी वाहन के रूप में विद्यमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया इसका कोई प्रमाणित उल्लेख नहीं है। मंदिर के 3 भागों में बांटा जा सकता है, गर्भगृह, मध्य गृह, सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारनाथ जी का स्वयंभू शिवलिंग स्थित है, जिसके आगे की भाग पर गणेश जी की आकृति, साथ ही माँ पार्वती का भी श्री यंत्र विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक यज्ञोपवीत आसानी से देखा जा सकता है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में 9 लिंगकार विग्रह विद्यमान है, इस कारण इस ज्योतिर्लिंग को 9 लिंग केदार भी कहा जाता है, जिसका वर्णन स्थानीय लोकगीतों में मिलता है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर 4 विशाल स्तंभ विद्यमान है, जिससे चारों वेदों का घोतक माना जाता है, जिस पे मंदिर की छत टिकी है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमा में एक अखंड दीप स्थित है, जो कई हजार सालों से निरंतर जलता रहता है, जिसकी देखरेख और निरंतर जलते रहने की जिम्मेदारी पूर्व काल से तीर्थ पुरोहितों की है। मंदिर में स्थित 4 विशालकाय स्तंभों के पीछे से ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा लगाई जाती है। केदारनाथ मंदिर के बारे में चली आ रही विख्यात कथा। पंच केदार की एक कथा ऐसी भी है, जब महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृहत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे शंकर भगवान का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए वे काशी गए, परंतु वे उन्हें वहां भी नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ गए, परंतु भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए अंत ध्यान होकर केदार में जा बसे। परंतु पांडव भी उन्हें खोजते खोजते केदार आ पहुंचे। भगवान शंकर ने तब बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया, अतः भीम ने अपना विशालकाय रूप धारण किया और दोनों पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सभी गाय बैल तो निकल गए, परंतु शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटा, लेकिन बैल भूमि में समाने लगा। तब भीम ने बैल का त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया, जिससे भगवान उन पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त करा दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ के आकृति में वहां विराजमान है।